टाइम हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किया था. थर्मोडायनेमिक्स में अभी आने में टाइम लगेगा, अभी बहुत बेसिक्स के साथ चलेंगे. और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हमने एक एक्सप्रेशन किया था एवरेज प्रेशर का, कि अगर एक गैस है और किसी सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर गैस है, तो वो वॉल्स पे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर लगाएंगे, और वो कितना प्रेशर लगाएंगे उसका फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने डराइव किया था हाफ रो वी का स्क्वायर. को डाउट इसमें क्या है? पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है, इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसकी जो डेरिवेशन है ये एनसीईआरटी के लिए स्कूल में आती है. अगर आप अपने पुराने पेपर्स को देखें तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन ना आया हो, चाहे वो नॉन मेडिकल है चाहे वो मेडिकल है, दोनों में क्वेश्चन आने ही हैं. प्रॉब्लम बताता हूँ इस चैप्टर की क्या है. आज मैं न्यूमेरिकल्स करवा सकता था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सीपी, सीवी जो आप केमिस्ट्री में करते हो, गामा और ये मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटीज, इसके साथ जो है रिलेटेड है, एनर्जी रिलेटेड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड है. मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ये सारी जो है सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा यूज करेगा. तो इन स्टेड की मैं सोचा कि दो क्वेश्चन करवाऊं, फिर मैं नई थ्योरी करवाऊं, फिर दो क्वेश्चन करवाऊं, उसकी जगह आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और अगली बार उसको लगा के देखेंगे क्वेश्चंस में. तो आज स्टार्ट करते हैं विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगला पार्ट. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने ये प्रूव करने के बाद ये डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, इसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. और इसके लिए मैंने आपको ये थ्योरी जो मैक्सवेल की थ्योरी है इसके साथ शुरू किया था, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, राइट. आज हम जो एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं वो है मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ की का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सारे टीचर्स करवाते भी नहीं है, और रादर मैं भी 2 साल से करवाना, 3 साल से शुरू किया है, मैं भी इसको करवाता नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला बताता था. एक तो रीज़न ये है कि एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक मेंशनड है, तो हमें ये करना चाहिए. दूसरा, 3 साल पहले मेंस वालों ने एक ऐसा क्वेश्चन दिया, और नीट में भी, मेडिकल के अंदर भी हमने देखा ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसमें इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. तो मीन फ्री पाथ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है. तो क्या है मीन फ्री पाथ, इसको एक बार हम डिस्कस करेंगे. पहले ड्राइव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आया. मीन फ्री पाथ के अंदर, मीन फ्री पाथ होता क्या है? मीन फ्री पाथ का मतलब कि फ्री पाथ की जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा एक मॉलिक्यूल, कैसे करेगा ध्यान से देखना. सपोज करो एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और वो रेंडम मोशन में है, राइट. और बहुत सारे मॉलिक्यूल रेंडम मोशन में, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारेगा, ठीक. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारेगा, तो जैसे ही वो कोलाइड करेगा, टक्कर मारने से पहले वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. मान लो लैम्डा वन डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, फिर वो मॉलिक्यूल, मैं मान लो वो मॉलिक्यूल हूं, मैं इसको टक्कर मारूंगा, मैंने डिस्टेंस कवर किया लैम्डा वन, फिर मैं इसको टक्कर मारूंगा, मैंने डिस्टेंस कवर किया लैम्डा टू. अब लैम्डा वन लैम्डा टू बराबर हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि रेंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स हैं. हो सकता है एक टक्कर लैम्डा वन डिस्टेंस कवर करती हो और दूसरा लैम्डा टू कवर करती हो, ऐसी तीसरी टक्कर में हो सकता है ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, हो सकता है कम डिस्टेंस कवर करते हो, तो मान लो लैम्डा थ्री. तो इस तरीके से हर टक्कर, एक कोलिजन मैं कर रहा हूं एक मॉलिक्यूल के साथ, तो वो अलग अलग डिस्टेंस इसमें कवर हो सकते हैं, लैम्डा वन भी हो सकता है, लैम्डा टू भी हो सकता है, लैम्डा थ्री भी हो सकता है, एंड सो ऑन. यहां तक क्लियर है? मुझे एक सेकंड देना.
देखो, तो इसमें अजम्पशन क्या है, मैंने बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू हर कोलिजन में सेम नहीं हो सकती। किसी ने कहा सर ठीक है, बताओ कि आपकी जो आपको जो डिस्टेंस कवर है एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में, वो लैम्डा वन है, फिर लैम्डा टू, फिर लैम्डा थ्री एंड सो ऑन। उसने कहा कि बताओ कि आपकी एक टक्कर और दूसरी टक्कर में डिस्टेंस होता कितना है। मैंने कहा बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। तो उसने कहा ठीक है रेंज बताओ, 2 किलोमीटर की रेंज है? नहीं। मैंने कहा 2 किलोमीटर की रेंज तो नहीं हो सकती। तो कहता रेंज बताओ, एवरेज बता दो। चलो तो ये टॉपिक क्या कैलकुलेट कर रहा है, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होगा हर टक्कर में, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मीन फ्री पाथ का मतलब समझ में आता है। पर सोचो ना कि टक्कर को पहले देखूं, मैं मोशन स्टडी करूं, फिर मैं उनको निकालूं, फिर मैं एवरेज निकालूं, बहुत मुश्किल है। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, हम क्या करेंगे इसमें, ये डिस्टेंस एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि मॉलिक्यूल, मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं चल पड़ता हूं, तो ये माना जाएगा कि एक मॉलिक्यूल स्फेरिकल इन नेचर है, राइट, स्फेयर है, हर मॉलिक्यूल स्फेयर है, पहली अजम्पशन। दूसरी, 2 मिनट के लिए अज्यूम करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, सिर्फ मैं मूव करूंगा। तो मैं कैसे मूव करता हूं, मैं जब मूव करता हूं मेरे रास्ते में ये मॉलिक्यूल आता है, मैंने इसको टक्कर मारी, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, यही इसको रेस्ट में मानना है, सब टक्कर मारता हुआ जाएगा, फिर अगला मॉलिक्यूल आएगा, उसको टक्कर मारता हुआ जाएगा, अगला मॉलिक्यूल आएगा, उसको टक्कर मारता हुआ जाएगा, और हर को टेंजेंशियल टक्कर मारता हुआ जाएगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है टेंजेंशियल क्यों है, क्योंकि वापस भी हो सकता है, पर अगर मैं डेरिवेशन को ऐसे सॉल्व करूंगा कि हेड ऑन कोलिजन करके वापस आ गया, तो फिर अब मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो मैं ये मानता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन में ही मॉलिक्यूल आता जाता है, और आप जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक एक लाइन में है, और उस लाइन के अक्रॉस उसको टच करता हुआ जो है मॉलिक्यूल पास होता जा रहा है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टच करता हुआ जा रहा है टेंजेंशियली, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को टच करता हुआ जा रहा है, फिर तीसरे को टच करता हुआ जा रहा है, फिर चौथे को टच करता हुआ जा रहा है, एंड सो ऑन। कोई डाउट है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मॉलिक्यूल जो है वो सभी मॉलिक्यूल को टच मींस कोलाइड करता हुआ जा रहा है। फिर दूसरे बैच में एक स्टूडेंट ने पूछा सर वो हेड ऑन कोलिजन हो सकती थी? यार अगर वो हेड ऑन कोलिजन होगी फिर किसी मॉलिक्यूल को तो टक्कर मरवाओगे ना, तो क्यों ना फिर आप, तो हमारे लिए डराइव करना इजी हो जाएगा। अगर हम बैक करके काम करेंगे फिर पता नहीं कहां जाएगा मॉलिक्यूल, फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इजी, इसको इजी करने के लिए हम यही मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स लाइन में बैठे हुए हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल जो पहला मॉलिक्यूल को टच करता हुआ सबको टक्कर मारता हुआ जा रहा है। अब पहली टक्कर इसके साथ लगी, दूसरी इसके साथ लगी, तो पहली और दूसरी के बीच में डिस्टेंस लैम्डा वन है, दूसरी और तीसरी के बीच में लैम्डा टू है, फिर लैम्डा थ्री है, फिर लैम्डा फोर है, एंड सो ऑन। और मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं इन सबका एवरेज। पॉइंट समझ में आया कि ये इजी हो गया हमारे लिए करना, अगर सब रैंडम मोशन में होंगे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि पहली अजम्पशन है इस डेरिवेशन के अंदर कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर डी। तो एक जो मॉलिक्यूल है वो एक स्फीयर है जिसका डायमीटर डी है, और दूसरा है ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल ए अंडर द कंसिडरेशन आर लाइंग एट रेस्ट। तो बाकी जो मॉलिक्यूल है वो सब रेस्ट में है, और सिर्फ ए मॉलिक्यूल ही मूव कर रहा है, बाकी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? दो ऑप्शंस क्लियर है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब सपोज करो, अब सपोज करते हैं आपकी जो डायग्राम है, देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि अगर सपोज करो ये रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल की, जैसे मैंने बताया इसके अंदर सपोज ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको टच करता हुआ बोर्ड के अंदर जाता है, उनको टच 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 करता हुआ अंदर जा रहा है, और इसका अगर क्रॉस सेक्शन व्यू बनाए तो हमें ऐसा ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल कोलिजन का डिस्टेंस है जो कि कितना है 2D है, ये एक्चुअल कोलिजन जो है वो कितने पे है 2D है। तो इसके अंदर हम मानते हैं कि अगर मान लो ये डायमीटर एक स्फीयर का, ये मान लो स्फीयर बैठा हुआ एक मॉलिक्यूल है डी, इसके साथ में टच करता हुआ मैं जा रहा हूं विद द डायमीटर ऑफ डी, तो पूरा ये जो रास्ता है ये कितने डायमीटर का क्या हो जाएगा 2D, राइट। इसके बीच में और कोई कोलिजन नहीं होगी, बस मैं ही जाता जा रहा हूं। तो ये मेरा एक, ये मान लो ये मेरा वॉल्यूम है,
इतने पोर्शन के अंदर मैं मूव करूंगा और सभी डी डायमीटर के मॉलिक्यूल को टच करता हुआ, कोलाइड करता हुआ आगे जा रहा हूं। तो इसका मतलब जो पूरा जो टोटल जो एरिया बनेगा क्रॉस सेक्शन का वो क्या बनेगा, 2D बनेगा, 2D डायमीटर का बनेगा, डी इसका और डी मेरा। इस दौरान और कोई कोलिजन नहीं होगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये समझ में आ रहा है कि डायमीटर इसने क्यों लिखा इक्विलेटरल कोलिजन का मतलब बीच में ये दोनों कोलिजन की जगह इसने क्या बनाया 2D, 2D का मतलब इस पोर्शन के अंदर और कोई कोलिजन नहीं होगी। अब इमेजिन करो ये पूरा डायमीटर कितना नजर आ रहा है जहां कोलिजन हो रही है इसका और मेरा मिला के 2D, और यहां से लेके मान लो आखिरी वहां तक कोलिजन हो रही है, तो यहां से लेके वहां तक कोलिजन हो रही है और पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ टी, वीडी, वीडी का मतलब है या वी का वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी जिससे कि एक मॉलिक्यूल आगे मूव कर रहा है, ठीक है यहां तक। तो इस केस में वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है और मान लो टी टाइम लेता है एक मॉलिक्यूल आखिरी मॉलिक्यूल तक कोलाइड करने में, तो टाइम टेकन कितना है टी टाइम, कोई डाउट इसमें? तो टी टाइम में मॉलिक्यूल इसको टच करता हुआ आखिरी मॉलिक्यूल तक जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है वीटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो टोटल लेंथ कवर्ड कितनी है वीटी। हम करना क्या चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमने ये कैलकुलेट करना है कि एवरेज मीन फ्री पाथ क्या है, और मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इट मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या लिखा मैंने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक मॉलिक्यूल ने, मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने यहां से लेके वहां तक तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जिससे कि मैं हिट करता हुआ जा रहा हूं। तो मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना कितना वी इंटू टी, अब मैं काउंट कर लेता हूं कि यहां से जब मैं स्टार्ट हुआ और मैं एंड तक गया तो मैं कोलाइड किया, क्योंकि पर कोलिजन डिस्टेंस को एवरेज मीन फ्री पाथ बोलते हैं ना, एक कोलिजन एक टक्कर के बीच में डिस्टेंस एवरेज पाथ है, तो इसको नंबर ऑफ कोलिजन से क्या करना है डिवाइड करना है, कोई डाउट इसमें? क्लियर यहां तक? अब इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो टोटल डिस्टेंस तो मैंने निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस कितने vt, v का मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू t, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के लिए देखो, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के लिए मान लेते हैं यहां से वहां तक टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज nv, v का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां से लेके वहां तक कितने मॉलिक्यूल्स हैं एरिया, एरिया क्या यहां का पाई डी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इतने पोर्शन में ये बोर्ड के अंदर जा रहा है मान लो डायग्राम, इतने पोर्शन का रेडियस क्या है डी, इतने पोर्शन का एरिया क्या है पाई डी स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर एरिया और इंटू लेंथ कितनी है वीटी, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हुआ वॉल्यूम, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एरिया इंटू लेंथ क्या हुआ वॉल्यूम, तो ये पूरे एक तरीके का इमेजिन कर लो एक सिलेंडर बन गया, पूरा सिलेंडर बना जिसका डायमीटर कितना है 2D और लेंथ कितनी है VD इंटू टी, तो इस केस में इसका वॉल्यूम क्या बना पाई डी स्क्वायर इंटू वीटी, ठीक, और ये क्या चीज है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया सिलेंडर का, जो ये जो मेरा एरिया जहां पर कोलिजन हो रही है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में क्या आया नंबर ऑफ कोलिजन्स, राइट, नंबर ऑफ कोलिजन, क्यों, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल रास्ते में आए मान लो 100, और तो मैंने भी कितने लोगों से टक्कर मारी 100, तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दूं तो हम ये मान के चलेंगे कि वही मेरे नंबर ऑफ कोलिजन काउंट होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये वैल्यू क्या आएगी एवरेज मीन फ्री पाथ आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल से मेरी टक्कर हो चुकी है, तो यहां से ये जो वैल्यू है वी से वी कैंसिल हो गया, वेलोसिटी कैंसिल हो गई, ये फॉर्मूला प्लीज बॉक्स में डालो, फॉर्मूले के ऊपर ऑब्जेक्टिव आएगा, ये फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का, तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर इनटू एन ऑफ वी, एन ऑफ वी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है यहां तक? तो हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये है टोटल डिस्टेंस किसका मेरा और इसका लैम्डा 1 है, फिर मैंने इसको टक्कर मारी लैम्डा 2 है, फिर लैम्डा 3 है, एक काम करते हैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं वीटी डिवाइडेड बाय आप कितने लोग हैं मान लो 100 लोग हैं, उसको 100 से डिवाइड कर देता हूं एक डिस्टेंस आ जाएगा इतना,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करूं कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे काउंट की, मान लिया कि एन ऑफ वी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपने इसको डिवाइड किया, वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है, थ्योरी की ये प्रॉब्लम है कि हम ये मान रहे हैं सारे मॉलिक्यूल किसमें, रेस्ट पे है, सिर्फ एक ही मूव कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो रियलिटी में इसने काम किया मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल ने, हमने नहीं करना, इसने अपना काम किया होगा, उसने एंड फॉर्मूला दिया कि एक्चुअल में मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला, इसको प्लीज बॉक्स में डालो, आपने ये याद करना है। मीन फ्री पाथ में रूट टू भी आता है, रूट टू क्यों आता है वो हमने नहीं करना, वो उसने काम किया और हमें उसने बताया कि जब हर कोई रैंडम मोशन में होगा तो मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है यहां तक? तो मीन फ्री पाथ की ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो मीन फ्री पाथ की ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है फॉर्मूला याद करना है, ये तो चलो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आया। आपको ना इसके अंदर जो क्वेश्चन क्या आया वो मैं आपको बता देता हूं। मीन फ्री पाथ के राइट, आपको एक सिंगल शीट मिली है, प्रिंट आउट ओपन करो, एक सिंगल शीट है उसका जरा प्रिंट आउट ओपन करना। इस शीट के अंदर ये सेकेंड बुक से, मैंने किसी और बुक से एक्चुअली में ये सब थ्योरी लिखी है और मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो थ्योरी है ये इसलिए लिखी गई क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया वो कुछ थोड़ा आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो कहेगा कि मीन फ्री पाथ का अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं गैस का, उससे क्या कैसे चेंज होगी, मीन गैस के प्रेशर से कैसे अफेक्ट हो जाएगा, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होगा। और मेंस का क्वेश्चन ही आया, आपके पास दो गैसेस हैं, दोनों के डायमीटर की रेशियो D1 और D2 आपको गिवन है, लिख ली। उसने कहा कि मान लो एक गैस का प्रेशर P गिवन है, दूसरी गैस का प्रेशर P गिवन है, बोलो मीन फ्री पाथ की रेशियो क्या होगी। ये फॉर्मूला तो वर्कआउट नहीं करेगा जो भी किया, जो मैंने करवाया उसमें, क्योंकि प्रेशर वाला तो आ नहीं रहा, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, इसको प्लीज अटैच कर लेना या अपनी उसमें डाल लेना। एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन में क्या आएगा बताता हूं। ये फॉर्मूला तो हमने कर लिया, किसी और बुक से किया पर फॉर्मूला तो यही था। और अगर इसमें मैक्सवेल की थ्योरी लगाई जाए तो बीच में रूट टू आता था, भी मैंने मॉडिफिकेशन भी करवाई, राइट। तो मीन फ्री पाथ के अंदर सबसे पहली चीज, इसमें डेंसिटी रो, रो का मतलब एम इंटू एन, रो मीन्स एम इंटू एन। अब कैसे, लास्ट टाइम हमने किया था कि एम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो n का मतलब यहां पर क्या है, n ऑफ v, या n का मतलब यहां पर क्या लेना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल मॉलिक्यूल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास को किससे डिवाइड करेंगे, अगर वॉल्यूम से, तो क्या आ जाएगा, टोटल डेंसिटी। तो लास्ट टाइम भी किया था ऐसे, तो m into n का मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा, डेंसिटी, वेयर m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, लिखना है तो लिख लो, वेयर m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख लो इसके ऊपर, और n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो लिख लेना इसके ऊपर। m का मतलब नहीं तो सोचो कि गैस का मास है, गैस का मास नहीं है, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड रो n मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डाउट इसमें? ठीक है सर, आगे। तो अब क्योंकि हमने मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, अभी जो रूट टू की फॉर्म में किया था, उसके अंदर आप चेक करो n आ रहा था, चेक करो साइन n आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो n की जगह हमने क्या पुट किया, रो बाय m, रो बाय m, तो n की जगह रो बाय m। को डाउट इसमें? तो ये प्लीज बॉक्स में डालो, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि डेंसिटी अगर गैस की चेंज हो रही है तो मीन फ्री पाथ का जो सिंबल होता है वो लैम्डा बार भी होता है, प्लीज एक ही बात है, लैम्डा बार का मतलब मीन फ्री पाथ है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। क्लियर यहां तक? तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन याद रखना है,
राइट, क्या पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है, वन मोल गैस के लिए पी इज इक्वल टू आर टी, तो पी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई वी, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड, वन मोल है तो एन का मतलब अंडरस्टूड एवोगैड्रो नंबर है, एक मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? छोटा एन, और आर बाय एवोगैड्रो नंबर को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, राइट। तो ये वैल्यू आ गई, तो आप एक काम करो, यहां से पी का ये फॉर्मूला, यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी डिवाइडेड बाई के इंटू टी। क्लियर यहां तक? तो अब जो मीन फ्री पाथ है उसके अंदर एन डिनोमिनेटर में आ रहा था, उसकी जगह क्या पुट कर दिया? पी डिवाइडेड बाई के टी, बॉक्स में डालो। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक। अब मेरे ख्याल से अगर कोई भी क्वेश्चन आया कि मीन फ्री पाथ प्रेशर पे कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, या डेंसिटी पे कैसे डिपेंडेंट है, डी फॉर डायमीटर पे कैसे डिपेंडेंट है, हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो कोई ना कोई फैक्टर चेंज करेगा, मीन फ्री पाथ की रेशियो पूछेगा, हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी हुआ इसमें, मीन फ्री पाथ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस। आपके इसमें करेक्शन की हुई है, इनवर्सली लिखा हुआ यहां पर, डायरेक्टली एक्चुअल में, ठीक, किया हुआ करेक्शन मैंने उसमें, राइट। मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है मीन फ्री पाथ का? मैं लिख के लाऊंगा क्वेश्चन वैसे उसमें, ठीक।
देखो आता सब, अब चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है इसको समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आजादी है। डिग्री किस हद तक, फ्रीडम आजादी। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की टर्म नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं भी यूज होती है। जैसे मैं खुद बनाता हूं एक सिस्टम जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम खुद डिफाइन करूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें आजादी दी मोबाइल फोन यूज करने की, तुम काउंट कर लो मेरी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सेकंड बनाता हूं, तुम्हारे पेरेंट्स ने आजादी दी तुम चलो बाइक भी यूज करो, दो चलो कुछ पैसे भी खर्च किया करो, तीन ठीक इतनी बहुत है, तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एन नंबर हो सकती है। तो ये सिस्टम मैंने डिफाइन किया, आजादी कैसे डिफाइन करनी है या मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं कि किस हद तक आप किसी भी एक डिग्री है एक हद तक एक फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समझाएंगे कि एक रोबोट है, वो आर्म एक्स एक्सिस में मूव कर सकती है, उसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसकी मूवमेंट अलाउड है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल तरीके जिसको बोल सकते हैं जिसमें उसकी मूवमेंट हो सकती है अलाउड है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वाई के लॉन्ग अलाउड है, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जेड के अलाउड है, तीन डिग्री ऑफ। मान लो एक और एक्सिस है उसके अलोंग भी अलाउड है, चार डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये सिस्टम बनाने वाला डिफाइन करेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली कितनी रखनी है। तो आप कहो सर वो पांच क्यों है, छहवीं डिग्री क्यों नहीं दी। अब किसी के पेरेंट ने नहीं आजादी दी उसको यार, उसके घर में नहीं चलते डिग्री ऑफ फ्रीडम, उतना बात खत्म हो गई। तो मतलब ये सिस्टम आपने डिफाइन करना है। तो केटीजी वालों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये डिफाइन किया कि एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जीज एग्जिस्ट कर सकती हैं जब वो एक रैंडम मोशन में होगा, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे मैं एग्जांपल से साथ समझाता हूं कि सपोज मान लो एक मॉलिक्यूल है, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। ये तो बड़ी टफ डेफिनेशन है यार, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। सिंपल लैंग्वेज में एक मॉलिक्यूल के पास कुल मिला के जब वो रैंडम मोशन में है उसके पास कितनी एनर्जीज हैं वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर यहां तक? तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो हम अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में बनाएंगे, एनर्जीज में बनाएंगे। कैसे? जैसे आपके पास कितनी एनर्जीज हैं पहले ये डिफाइन करते हैं। हमारे पास पहले टाइप की एनर्जी जो है वो है ट्रांसलेशन मोशन। अगर एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन में है, ट्रांसलेशन मोशन में है, ट्रांसलेशन समझते हो हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी है, तो उस केस में उसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ट्रांसलेशन एनर्जी भी किस में, एक्स एक्सिस में। या चलो पहले हम डिफाइन करते हैं एनर्जी कितने टाइप की है, एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जीज हो सकती हैं। तो पहली एनर्जी जो हो सकती है दैट इज एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। दूसरी एनर्जी जो हो सकती है एनर्जी ऑफ रोटेशनल, कि वो घूम भी सकता है, एक मॉलिक्यूल या एटम घूम भी सकता है, तो रोटेशनल एनर्जी भी पॉसिबल है। और तीसरी वो वाइब्रेट भी कर सकता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो हम तीसरी एनर्जी को डिफाइन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन मोशन, जो कि 5000 केल्विन के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। और हमारी गैस फिजिक्स में 5000 केल्विन एक्वायर नहीं करती, हम वाइब्रेशन एनर्जी को लेते नहीं, पर अगर ले लें तो ऐड करनी पड़ेगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया यहां तक? ओके, मैं अब एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे आपके पास एक मान लो मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक एटम है बस, ये रहा। ये हवा में रैंडम घूमेगा, गोल भी घूमेगा, एक्सिस पे भी घूमेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। तो अच्छा देखते हैं, तो रैंडम मोशन कहीं पर भी हो सकती है। तो अब सपोज करो उस मॉलिक्यूल के पास या उसके पास लेट अस सपोज वेलोसिटी v है, इज वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर, राइट? क्योंकि v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास नेट वेलोसिटी का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि v वेक्टर को लिखा जा सकता है वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। ठीक है यहां तक? तो उस केस में, क्लास में आ जाओ, तो उस केस में v वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं और v स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर,
दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम वी जेड स्क्वायर. तो तीन तो उसके पास ट्रांसलेशन एनर्जी होगी एक्स के अलोंग वाई के अलोंग और जेड के अलोंग. तो कम से कम डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी ऐड करनी पड़ेगी ट्रांसलेशन की वजह से तीन. अब बात करते हैं रोटेशन की. अब वो एटम अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा इसका जो मास लिया जाता है वो पॉइंट मास लिया जाता है दैट इज वेरी 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 स्मॉल. और अगर एक पॉइंट मास अपने एक्सिस पे घूमे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे जीरो आई जीरो होगा. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा जीरो. तो इसके कुल मिला के इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मानी जाएंगी कम से कम तीन. रोटेशनल की नहीं होगी वाइब्रेशन की तो वैसी नहीं होगी और कौन सी बची सिर्फ ट्रांसलेशन. तो याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस की इज ऑलवेज इक्वल टू थ्री. आपको क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आते हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएंगे. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होती है बस. ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर मैं सीधा याद करवा दूंगा तीन पांच आपको कभी ये नहीं समझ में आएगा कि ये हुआ क्या था एक्चुअल में. सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूं कहां से आ रही है रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी राइट. बस पता होना चाहिए कि हाँ ये होती है कोई डाउट इसमें. तो ये आपके पास क्या आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस. नेक्स्ट है डायटॉमिक गैस. डायटॉमिक गैस के अंदर तो इसमें कितने एटम्स हैं दो. तो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम जो हैं वो दो हैं राइट. ये दिख रहा है आपको. अब देखो इसकी मोशन कैसे हो सकती है. ये ट्रांसलेट भी कर सकता है क्योंकि जब ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा ध्यान से देखना. ये ऐसे घूमेगा दो एटम लगे हुए हैं रैंडम मोशन ऐसे होगी इसकी ठीक है. तो ट्रांसलेशन तो तीन पक्के इसको दो तो तीन तो ट्रांसलेशन हो ही गई डन. अब रोटेशन की बात करें रोटेशन ध्यान से देखना. ये मान लो आपके पास दो एटम है. अगर मान लो वो इस एक्सिस पे रोटेट है मान लो ये रहा डायटॉमिक का ये जो है दो एटम्स हैं ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो बोलो आई की वैल्यू दोनों मासेस की क्या होगी जीरो. एक्सिस के ऊपर पॉइंट मास पड़े हुए हैं तो मोमेंट इनर्शिया क्या होगा जीरो. कोई डाउट इसमें क्लियर है यहां तक. हाँ लेकिन और अगर मान लो कोई सर मैं तो उसको वाई एक्सिस पे घुमाऊंगा हाँ तो घुमा ले कोई दिक्कत नहीं तब तो आई कंट्रीब्यूट करोगे. जैसे ये मास m है ये मास m है वो कहते हैं मैं तो ऐसे घुमाना चाहता हूं तो घुमा लो m into r square m into r square आई एग्जिस्ट करेगा राइट. मतलब ये आपके ऊपर है. मैं जैसे इसको ऐसे समझा सकता हूं मैं इसको ऐसे समझाता हूं सपोज करो ये मास m है सपोज करो ये मास m है. अगर तो आपने इसको ऐसे घुमा दिया इस एक्सिस के अबाउट तो फिर तो इसका आई नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉइंट मास एक्सिस पे ही लाए करते हैं. अगर सपोज करो एक मास एम है एक मास एम है लेकिन घूमने का एक्सिस ये है फिर तो आई एग्जिस्ट करेगा रोटेशनल मोशन में कंट्रीब्यूशन होगा. और अगर एक्सिस जेड एक्सिस है तब भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तब भी आई जीरो नहीं हो सकता. तो इसका मतलब उसके पास तीन ट्रांसलेशन की एनर्जीज तो होंगी ही होंगी मैंने बताया होंगी. लेकिन इसके अबाउट अगर रोटेशन होती है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो. तो उस केस में इसके अबाउट अगर एक्सिस ये होता है तो एक एक्सिस अपना रोटेशन एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करता. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. तो एक्सिस तीन है तो एक एक्सिस एट अ टाइम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा
क्योंकि जिसके क्योंकि अगर मान लो मैंने फिर बताया कि जैसे ये डायटोमिक है तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आई ने कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी और एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो तीन एक्सिस में से दो का कंट्रीब्यूशन होगा लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो रोटेशनल की कितनी एनर्जीज काउंट होंगी इसमें? सिर्फ दो, तीन नहीं हो सकती एट अ टाइम। तो इसका मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना आएगा? पांच, तीन ट्रांसलेशन का, दो रोटेशन का। तो डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेंगे? पांच। ये सब समझाने के लिए आपको पांच यूज करना है बस, आपसे नहीं कोई पूछेगा कि ये कैसे हुई क्यों हुई, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है कि एनर्जीज के ऊपर ही काम करना मॉलिक्यूल्स, ये तो बहुत ही बड़ा काम है। तो हम उतने डीप में नहीं जा रहे, हम बस नंबर ऑफ एनर्जीज काउंट करके छोड़ रहे हैं। क्लियर यहां तक? और अगर बाय चांस वो वाइब्रेट भी करता है तो वाइब्रेट बॉन्ड में ऐसे करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ में क्या होगा इसमें पोटेंशियल भी होती है एटम के बीच में, जो इंट्राटॉमिक जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से एनर्जी भी होती है, इंट्राटॉमिक जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से एनर्जी होती है। तो वो हम काउंट नहीं करते क्योंकि हमारा टेम्परेचर कभी 5000 केल्विन वाइब्रेशन कभी लेंगे नहीं, पर अगर कोई क्वेश्चन वाइब्रेशन लेने को बोलता है तो एक एनर्जी ऐड नहीं करनी, दो करनी है, पोटेंशियल भी ऐड होती है और काइनेटिक भी होती है। पर ये मैंने आज तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं जिसमें 5000 केल्विन तो मैंने कभी देखा ही नहीं टेम्परेचर, केमिस्ट्री में भी करते होंगे 5000 केल्विन तो नहीं कम से कम करते होंगे, तो ये कभी यूज नहीं होगी। तो बस दो चीजें याद रखनी है, मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो कितनी? तीन। डायटोमिक गैस की कितनी? बस क्लोज, इतना समझ में आ गया। ठीक, आगे ट्राइटोमिक गैस, मैंने बहुत कम मतलब 200-100 में से एक न्यूमेरिकल ट्राइटोमिक पे देखा है, मेरे असाइनमेंट के अंदर ही डाल के लाऊंगा मैं ट्राइटोमिक का, पर बहुत रेयर, मतलब 100 में से मैंने बताया एक क्वेश्चन ट्राइटोमिक का दिखेगा। ज्यादातर क्वेश्चन चाहे एडवांस लेवल तक आएंगे मोनो और डाय पे ही आते हैं और तीन और पांच के साथ काम चलता है हमारा। ठीक है यहां तक? तो ट्राइटोमिक गैस जैसे मान लो दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, H2O टाइप डिस्टॉर्टेड होता है और दूसरा लीनियर भी होता है, कैसे मर्जी ले लो, ट्राइटोमिक के दो केसेस है। तो अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? इसके अंदर ट्रांसलेशन के तो तीन होने ही हैं, तो तीन तो ऐड हो गए। रोटेशनल में अगर इसके अबाउट देखा जाए तो आई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बाकियों के अबाउट कॉन्ट्रीब्यूट होगा, तो रोटेशनल की कितनी एनर्जी ऐड होंगी इसमें? दो, जैसे पहले की थी, तो कुल मिला के कितनी होंगी इसमें? पांच। वाइब्रेशन कंसिडर करते नहीं, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा है डिस्टॉर्टेड है तो अब इसमें ट्रांसलेशन की तो तीन देनी ही है, उसने तो ट्रांसलेट करना ही करना है। अब रोटेशनल में अगर मैंने ये एक्सिस लिया तब भी पूरे सिस्टम का आई जीरो नहीं होगा क्योंकि ये मास कंट्रीब्यूट करेगा, अगर मैंने ये एक्सिस लिया तब भी सिस्टम का आई जीरो नहीं होगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर मैंने ये लिया तो भी आई जीरो नहीं होगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो यानी कि तीन रोटेशन एनर्जीज काउंट होंगी, आई किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो तीन ट्रांसलेशन की, तीन रोटेशन की, कुल मिला के छह हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो ट्राइटोमिक की नॉर्मली अगर याद भी करना है तो मोनोटॉमिक की तीन, डायटोमिक की पांच, ट्राइटोमिक की छह, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है पांच या छह जो भी हो सकती है। तो ये कुछ बुक्स ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं, मैंने अलग अलग बुक्स में से स्टडी किया हुआ है और अलग अलग बुक्स में से मैंने ये लिखा हुआ है, ये एक बुक है, और एक दो बुक्स और ऐसी भी हैं जो ज्यादा चक्कर में एक स्टूडेंट को डालना ही नहीं चाहती, वो सिंपली कहती हैं कि बस कुछ ना करो, स्टूडेंट आए फॉर्मूला याद करे डिग्री ऑफ फ्रीडम का और फॉर्मूला इस 3N-K और काम खत्म हो जाए। मेरे को ज्यादा फॉर्मूला पसंद नहीं है क्योंकि कई बार फेल भी हो जाता है, दिखाता हूँ कैसे। मोनोटॉमिक गैस में एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो मोनोटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम कितना है? एक। के का मतलब कितने बॉन्ड बने हुए हैं, जो कि कोई भी नहीं बना हुआ तो जीरो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? तीन। डायटोमिक गैस में एन कितने हैं? दो, दो एटम है, बॉन्ड कितने बने हुए हैं? एक, के इज वन, तो कितना आ गया? पांच। ठीक, फॉर्मूला याद कर लिया, डन। ट्राइटोमिक गैस के लिए एन की जगह तीन, के की जगह तीन अगर ऐसे बने हुए हैं तो छह आ जाएगा, और नहीं तो लीनियर के लिए तीन और दो और पांच। मेरे को पसंद नहीं है, नंबर ऑफ एनर्जीज काउंट करने का तरीका ही सबसे बेस्ट है और वही एक्चुअल तरीका है। ये तो उन लोगों के लिए है कि जो बस बुक्स ज्यादा बच्चा सोचे ना, बस वैल्यू पुट करे बट डन, पर ये करवाने से किसी को ये नहीं पता लगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किया क्यों, क्यों किया पता नहीं, क्यों किया ये एन और के क्यों लेते हैं पता नहीं। तो मेरे हिसाब से वो पहला मेथड सबसे बेस्ट मेथड है और
सबसे बड़ी बात डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर न्यूमेरिकल आने वाला ही नहीं है, आपसे कौन सा कोई कैलकुलेट करवा रहा है, तीन और पांच याद रखना है। पॉइंट समझ में आया यहां तक, सिवा इसके कि हमने ये क्यों, थोड़ी देर में अटैच हो जाएगा, संभाल के रखो अभी इस टॉपिक को। स्पेसिफिक हीट आपकी ऑल टाइम फेवरेट केमिस्ट्री में, बहुत इंजॉय करते हो सीपी सीवी, हर बंदा कोश है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ऐसा होता है। अच्छा सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन, सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है, क्योंकि अच्छा और कोई, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है, आपने कहा सीपी माइनस सीवी आर, सिवा इस ज़्यादातर स्टूडेंट यही बोलते हैं, ऐसे ही होता है ना लॉजिकली, क्यों होता है बोलो। ऐसे कुछ है, अच्छा कोई और आंसर, देखो सीपी और सीवी का मतलब पहले समझ लो एक मिनट होता क्या है। सीपी का मतलब है कि सपोज करो, पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे फिर थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में आएंगे। एक गैस है, ये एक गैस है और ये एक इसके ऊपर पिस्टन है। मैंने इस गैस से पूछा कि भाई मैं तेरा टेम्परेचर ना राइज करवाना चाहता हूँ डेल्टा टी, तू बता कि तेरे को कितनी हीट चाहिए। तो बेसिकली इसने कहा कि भाई मेरे को तो जी 100 जूल 100 कैलोरी की हीट चाहिए होती है, आप बस किसी भी तरीके से 100 कैलोरी हीट मुझे सप्लाई करो और मैं अपना टेम्परेचर डीटी इंक्रीज कर लूँगी। ठीक है जी, कमिटमेंट हो जाती है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है तो मैं 100 कैलोरी हीट देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पिस्टन को एकदम सील कर दिया, हिलने नहीं दिया। तो यानी कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा हूँ, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर रहा हूँ। समझ में आता है यहाँ तक? तो ठीक है, मैंने गैस को कहा ये ले 100 कैलोरी की हीट ले। गैस ने कहा ठीक है, 100 कैलोरी की हीट मुझे मिल गई है और मेरा टेम्परेचर डीटी इंक्रीज हो गया। डन, केस क्लोज, कमिटमेंट पूरी हो गई, जो उसने मांगा मैंने दिया, काम डन हो गया। फिर मैंने पूछा यार ये कैसे, मतलब गैस को तो कैसे कर लेती है, मतलब डीटी इंक्रीज का मतलब क्या है? वो कहती है देखो ऐसा है, मेरे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैं ना उनको टेम्परेचर इंक्रीज के ना भगाना शुरू कर देती हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम करके आए हो, आपको नॉलेज भी हो चुकी है मेरे पास कितनी एनर्जीज हैं, मैं सारी एनर्जी बढ़ाना शुरू कर दूंगी तो मेरी एनर्जी काइनेटिक बढ़ जाएगी और मैं लोगों को कहूंगी मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी समथिंग ड्राइव फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ, तो कहीं ना कहीं उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिस वजह से हम बोलते हैं, पर हम जाना नहीं चाहते ना 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, आप कौन उनकी एनर्जी कैलकुलेट करेगा, हम बोलते थे कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो ठीक है बढ़ गई, तो उसने क्या कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को 100 कैलोरी इंक्रीज कर लिया तो मेरा डीटी टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइट। मैंने पूछा कि और तूने कोई काम नहीं किया, मैं कर भी सकती नहीं थी कहते कुछ भी, कि पिस्टन को मैं मूव करवा नहीं सकती और वॉल्स जो है उसको मैं हीट आपने देना मना किया हुआ था,
तो एडियाबैटिक है, तो बेसिकली सारी एनर्जी मेरे पास ही थी, तो मैंने अपना टेम्परेचर राइज करवा लिया। कहानी समझ में आती है? अब सपोज करो मैंने फिर से एक बार कहा कि चल ठीक है एक बार एक्सपेरिमेंट फिर से कर, फिर वही गैस है, और उसने मैंने उससे पूछा कि डी टी टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है, तो बोल कितनी हीट चाहिए? वो कहती है वही रिक्वायरमेंट है मेरी, तो मेरे को तो 100 कैलोरी हीट चाहिए, आप मुझे ला दो मैं डी टी इंक्रीज कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है ये ले 100 कैलोरी की हीट ले। इस बार गड़बड़ हो गई मुझसे, मैं पिस्टन को सील करना भूल गया, खुल सकता है वो, मूवेबल है। अब क्या हुआ, अब पिस्टन ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं हीट दूंगा गैस अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, गैस की एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन में पिस्टन ऊपर मूव करेगा। पहले मैंने बंद किया हुआ था, वो कर नहीं पा रही थी, अब वो कर पा रही है। तो अब क्या हुआ कि पिस्टन इसने मूव ऊपर करवा दिया, और वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे, गैस कहती है कि आपसे 100 कैलोरी की हीट तो ले ली, पर मेरी ना 20 कैलोरी खराब हो गई। मैंने पूछा वो कैसे खराब हो गई? वो कहती है 20 जूल का ना मैंने वर्क डन कर दिया, पिस्टन ऊपर उठ गया मुझसे। अब कुल मिला के मेरे पास कितनी बच गई? 80। तो अगर आप चाहते हो कि अब डी टी टेम्परेचर मेरा राइज हो जाए, तो प्लीज मेरे को 20 जूल एक्स्ट्रा दे दो, तो मैं अपना टेम्परेचर डी टी राइज कर दूंगी। तो अब मेरे को कुल मिला के कितनी हीट देनी पड़ेगी? 120, राइट? तो ये जो प्रोसेस जिसमें पिस्टन ऊपर मूव करता है, ये प्रोसेस किस पे हो रहा है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पिस्टन मूव करता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हो रहा है। बार बार नहीं कहूंगा, ठीक, कॉन्स्टेंट प्रेशर हो रहा है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आंसर मिल गया आपको, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट रिक्वायर्ड ज्यादा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कम है। अब मोल ज्यादा है या क्या ज्यादा है, क्या इसकी क्वांटिटी उतनी है? देखो सही बोल रहा हूँ ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना, कि आपने ज्यादा हीट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आप जो हीट दोगे उसका कुछ वेस्टेज होगा ही होगा, पर वो वेस्टेज नहीं है, वो एक्चुअल में वर्क डन हो रहा है। क्या बात समझ में आती है? तो क्या मैं ये इक्वेशन बनाऊं कि 120 जो मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दिया, 100 किसने रख लिया? गैस ने, और 20 का क्या कर दिया? वर्क डन। समझ में आता है यहां तक? और फिजिक्स की लैंग्वेज में मैंने कितनी हीट दी यहां पर? डी क्यू, चेंज इन हीट डी क्यू की, जिससे कि गैस ने अपने इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर ली, चेंज कर ली, और साथ में क्या कर दिया? वर्क। केमिस्ट्री में देखते हो ऐसा कुछ, इक्वेशन अलग होती है। पहले तो केमिस्ट्री वाले डेल्टा डेल्टा बहुत करते हैं ना, डेल्टा 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 इक्विलिब्रियम, और उसमें वो डी नहीं करते, क्योंकि उनके उसमें ना न्यूटन नहीं आता। न्यूटन ने क्या कहा था पहले दिन मेरे थ्रू आपको कहलवाया था कि डी कैलकुलस, छोटा चेंज, बड़ा चेंज नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सीधा बड़ा चेंज मांगते हैं, इनिशियल सिचुएशन फाइनल सिचुएशन बात खत्म। फिजिक्स वाले छोटा छोटा चेंज, तो इंटीग्रेशन से ही अपना काम करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, बट हमारी सही रिप्रेजेंटेशन स्मॉल स्मॉल है, स्मॉल चेंज। अब ये मत पूछना कि केमिस्ट्री में वो माइनस वो इक्वेशन ऐसी दिखती भी नहीं है हमें, थोड़ी डब्ल्यू लेफ्ट या राइट पे होता है, माइनस में होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की साइन कन्वेंशन डिफरेंट होती है, बताऊंगा नेक्स्ट टाइम क्यों होती है, पर अभी के लिए देखो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाई मैंने, तो और मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं लगाया, वो केमिस्ट्री वाले थोड़ा उल्टा करते हैं माइनस माइनस लेके, हम ऐसा ही करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? इस लॉ को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही है यहां तक? और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूं। ये आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड भी के फोर्थ चैप्टर है, केटीजी आपका पहला चैप्टर था, स्पेसिफिक हीट आपका सेकंड चैप्टर है, तीन चैप्टर इकट्ठे चल रहे हैं, आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि जब हम बुकलेट को जब देखेंगे नेक्स्ट टाइम आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तीन के तीन इकट्ठे आपको समझ में आ गए। अब तक ठीक चल रहा है ना, अभी आराम से चलते जाओ। प्रॉब्लम ये है कि इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना उसमें सारा कुछ इकट्ठा यूज होना है, स्पेसिफिक हीट भी होनी है, फर्स्ट लॉ भी होना है, सीपीसीवी भी होगा, केटीजी भी होगा, एनर्जीज भी होंगी, तो ये सारा जो सारी पिक्चर है जब तक पता नहीं होगी ना वो फ्लो नहीं बन पाएगा न्यूमेरिकल का। और एक बार ये चीज पता लग जाए बस फिर आपको पता ही एकदम फ्लो ही फ्लो बन जाएगा न्यूमेरिकल का, फिर कोई क्वेश्चन अटकेगा भी नहीं आपका। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मतलब मेरा पढ़ाने का इस तरीके से स्टाइल चलेगा कि वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बस समझो आज के लेक्चर के अंदर ही आपका 50% काम खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ बस बैठना है
और 25% काम तो केमिस्ट्री भी कर देगी, घर जाके वो रिवाइज ही करना होता है थर्मो के अंदर। और मैंने बताया था नीट वालों को 5 क्वेश्चन आए थे थर्मो के, नीट में 5 क्वेश्चन 45 मिनट मायने रखते हैं, 4 तो पक्का आएंगे, इस बार 5 आए। मेन्स वालों के 2 और 3 तो मैंने बताए हुए हैं, 3 तक आ जाते हैं मेन्स वालों को, 3 कोई कम नहीं होते। सिर्फ इन 20 दिनों में 3 मेन्स के क्वेश्चन निकालना, अब मज़ा आ जाएगा। और भी मजे की बात सुनो, क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, मतलब बहुत कम स्टूडेंट जो ये आके कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, चांस बहुत कम है, होगा ही होगा, पक्का सॉल्व होगा। तो मेंस का पेपर क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ, चाहे रोटेशन कितना भी मुश्किल आए, चाहे कोई मुश्किल, मैं आपको कुछ चैप्टर बताता हूँ। प्लस टू के साथ डिस्कशन हुई थी, 2 मिनट लूंगा, सेमी कंडक्टर और प्रिंसिपल कम्युनिकेशन के पीछे 4 साल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप मानोगे, मैं कहता हूँ कुछ तो थोड़ा या चेंज कर दे कम्युनिकेशन में, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर करके वो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मैं अभी प्लस टू के अंदर जब डिस्कशन हो रही थी, मतलब खुद हैरान हो गए देख के कि अच्छा, और सबसे एंड का चैप्टर है, आखिरी लेक्चर प्लस टू का, जिसको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है, ये कौन करेगा यार, थ्योरी का चैप्टर है, बिल्कुल वही चीज़ सेम टू सेम। सेमीकंडक्टर के अंदर वही गेन्स के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन मेन्स के स्टैंडर्ड, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 2 तो पक्के ही हैं, 3 ये पक्के हैं, 3 में से 2 लगा लो, 4 ये पक्के हैं। मतलब हम लोगों को ना पता होता है कहाँ से कोई चीज़ बहुत आसानी से निकलेगी और कहाँ एफर्ट लगेगा। ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वही रोटेशन वाला हाल है, आ गया तो ठीक, आ गया नहीं आया तो उठ जाता है लेवल। लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें लेवल नहीं उठता कभी भी। इलेक्ट्रोस्टैट्स है, हम प्लस टू में करेंगे, मतलब ही नहीं ये क्वेश्चन गलत हो जाए इलेक्ट्रोस्टैट्स का, सवाल ही पैदा नहीं होता, पक्का ठीक निकलेगा, पता होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे एरर्स में से गलती नहीं हो सकता। तो कुल मिला के 15 और 20 की रेंज बहुत ईजीली अचीवेबल है, बाकी आपकी मेहनत है। अब 25 तक 28 तक ले जाओगे आपकी अपनी एफर्ट है, राइट। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे ना, आपको पता लगेगा। मैं खैर पुराने पर डिस्कस कर ही रहा हूँ, आपको सब दिख ही जाएगा अभी, और थर्मो के अंदर तो वो मज़ा ही आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आए हैं। देखो दो तरीके की स्पेसिफिक हीट मैंने बताया, लेकिन अब मुझे, मैंने ना आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि वो 100 जूल 120 जूल समझना ईजी है। इस वाले क्या है कि ऐसे काम बात नहीं करेंगे, तो 200 और ऐसे बात, तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म सीखने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को पहले समझेंगे, क्या है स्पेसिफिक हीट, उसके बाद हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये आपके पास एक गैस है, ये पिस्टन है, सपोज करो इस बार मैं क्या मानता हूँ, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, राइट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं केमिस्ट्री में की है, हाँ वही 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 जो अंदर से बाहर है, सही है। क्या कि अगर मान लो ये 1 ग्राम गैस है या 1 kg भी हो सकती है, और मैंने इसको, इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज करवाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे केस में, या जो चेंज इन टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, C के पैर में V, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो अब मैंने गैस को कहा कि ठीक है यार, इस केस में ये बता कि अगर पिस्टन मूवेबल है और कंडीशन वही है, 1 ग्राम गैस है 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी अब बता तेरे को, तो कहेगी पहले से कम ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब पिस्टन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क तो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा कितनी, कहता ठीक है जी सीपी कर लो, सीपी कर लो, सीपी का मतलब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये बात समझ में आ रही है। और ये सिंबल में ये छोटा सी है, ये छोटा सी है प्लीज, क्योंकि बड़ा सी का मतलब मोलर होता है, और मैंने 1 ग्राम लिया तो छोटा सी यूज करना है। तो गैस कहती है ठीक है 1 ग्राम अगर गैस है तो मैं सीवी लूंगी, और अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर काम करवाना है तो मैं सीपी लूंगी, समझ में आता है यहां तक। तो मैंने पूछा फिर ये तो बता स्पेसिफिक हीट होती क्या है, तो स्पेसिफिक हीट है जैसे आपने एक्सप्लेन किया, 1 ग्राम ऑफ गैस का जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना है तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज स्पेसिफिक हीट। तो मैंने गैस को कहा कि अच्छा बता अगर मैं 1 ग्राम ना दूं गैस, 1 मोल कर दूं फिर, तो कहते ठीक है नाम चेंज कर दो मोलर स्पेसिफिक हीट। तो कैसे, अगर मान लो यहां पर ग्राम की जगह मैं क्या वर्ड यूज करता हूं, 1 मोल, तो
या म्यू नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, वन की जगह म्यू नंबर ऑफ मोल्स करते हैं, तो म्यू मोल्स करते हैं, तो उस केस में कितनी हीट लगेगी? तो गैस ने कहा ठीक है एक काम करो, अगर आप वन मोल यूज करते हो तो हीट रिक्वायर्ड इज कैपिटल सी वी, और ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप काम करना चाहते हो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर वन ग्राम है तो छोटा सी वी, वन मोल है तो बड़ा सी वी। यहां तक क्लियर है? तो मैंने पूछा कि ये तो वन मोल है यार, तू मुझे बता कि म्यू मोल का क्या करेगी? तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या है, तो ये लो, तो इतनी हीट देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर कितना राइज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ये क्या बात बनी, 1 डिग्री सेल्सियस की ही तो हीट पूछेगी, मेरा टेम्परेचर राइज तो डीटी है। तो कहती है कोई बात नहीं, म्यू सी वी डीटी कर दो, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर दो और ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो अगर टेम्परेचर 1 डिग्री है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो अमाउंट ऑफ हीट सी वी है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बोला मैंने, मोल्स, तो बड़ा सी वी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर कितने हैं, म्यू है, तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस की जगह कितना है, डी टी है, तो इसको डी टी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर यहां तक? और अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर राइज इन टेम्परेचर 1 है तो डी टी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो मैं अब इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर देता हूं। तो देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम, बात नहीं करनी यार, बात नहीं करनी, फ्लो खराब होएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम ध्यान से देखना, आप कुछ नया, मतलब एक ऐसा रिजल्ट आने वाला है जिसमें आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर करते हो केमिस्ट्री में, प्रूव भी करते हो, तो आप तो पहले एक्सपर्ट हो। तो मैं थोड़ा और एक्सपर्ट बना देता हूँ, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही बना लेना। बस ये अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया ना, आपकी आधी जिंदगी तो थर्मोडायनेमिक्स वैसे ही सुखी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता लगता कि मैं सीपी यूज करूं या मैं सीवी यूज करूं। तो कुछ लोग ऐसे कैसे नहीं पता लगता, बोलेगा तो कि पिस्टन मूव करेगा या नहीं करेगा, वो यही तो बोलेगा नहीं, पिस्टन मूव करेगा नहीं करेगा, बस वो कुछ और ही बोलेगा और ये नहीं बताएगा कि पिस्टन हिला कि नहीं हिला। अगर वही बता देगा फिर तो आप समझदार हो यार, आप यूज कर ही लोगे सीपी सीवी। इसके अलावा सारी बातें करेगा और फिर आप खुद क्वेश्चन पढ़ के बताओगे कि सीपी लगेगा या सीवी लगेगा, और जिसने ये पकड़ लिया बस उसके लिए सारे क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि यहीं पे उन्होंने टेस्टिंग करनी है सारी। तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि ये अगर गैस है, और मैंने क्या किया कि मान लो 1 मोल ऑफ गैस है, और 1 मोल ऑफ गैस के लिए मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कैपिटल सीवी। अब मैंने कैपिटल वर्ड शुरू कर दिया, यानी कि मोलर जो है स्पेसिफिक हीट है, ठीक हो गया। तो मैंने ये भी बताया कि इस गैस से पूछ लेते हैं यार, तू बता कि तेरे अगर नंबर ऑफ मोल्स म्यू है, तो उसने क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स म्यू है तो मैं हीट ज्यादा लूंगी, कितनी, म्यू इंटू सीवी। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मैंने कहा कि अगर राइज इन टेम्परेचर डीटी है, तो कहता है डीटी ले लो। तो ठीक है, गैस ने मुझसे कितनी हीट मांगी ताकि उसका टेम्परेचर डीटी इंक्रीज हो जाए, इतनी। तो क्या मैं इसको हीट ऐसे लिख लूं, इतनी हीट मुझे देनी पड़ेगी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट? मैंने गैस से पूछा करेगी क्या हीट का, वो कहती है कि पिस्टन को नहीं मूव करवाऊंगी, अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लूंगी, राइट? तो ये सारी की सारी हीट, दो बार नहीं कहूंगा, सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डी यू। कोई डाउट इसमें? क्यों? क्योंकि गैस को और करने के लिए काम था ही नहीं, पिस्टन उसने उठाना नहीं था, जो भी उसको हीट दी उससे अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया। और जब मैं ये बोलता हूँ उसने अपना सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब उसने अपने इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ठीक हो गया, और कोई काम नहीं किया उसने,
तो ठीक है, मैंने कहा चल डन हो गया काम, अब एक काम करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसने कहा देखो कि मैं हीट तो उतनी लूंगी जितनी उसने ली है, पर मेरे केस में एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है, थोड़ा जैसे टैक्स लगेगा इसमें, टैक्स के लगेगा कि DW पिस्टन उठाना पड़ेगा मुझे, तो जो भी आप अमाउंट इसको दोगे वो तो मैं लूंगी लूंगी, क्योंकि आप DT टेम्परेचर को इंक्रीज करवाना चाहते हो, पर मैं आपसे हीट थोड़ी ज्यादा लूंगी, ये सबको समझ आता है क्यों। मैंने कहा यार मेरे को कहानी ना बता कि मैं वर्क डन करूंगी, ये करूंगी, तो जो मर्जी कर, तू टोटल बता यार कितने देने हैं तेरे को, पैसे नहीं हीट कितनी देनी है, पॉइंट समझ में आया। तो हीट टोटल कितनी, ठीक है फिर काम करो म्यू मोल्स, मैंने कहा ठीक, कह रहे CP से मल्टीप्लाई कर दो, CV से मत कर, मैंने कहा ठीक, तो तेरा हिसाब हो जाएगा। वो कहती हाँ, अब मैं आपका टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर DT राइज कर दूंगी और साथ में वर्क डन भी इसी के अंदर कर दूंगी, राइट। तो ये पॉइंट समझ में आया, जब मैं CP से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ गई, जिसके अंदर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और साथ में वर्क डन भी हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक? तो और मेरी अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला एग्जांपल मैं इसमें फिट करूं, तो मान लो यहां पर ये जूल, ये कितने कैलोरीज थी, 100, तो ये जो हीट आएगी, इसको एक काम करते हैं हीट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हीट इस हीट से ज्यादा आएगी, और मान लो इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसने ज्यादा मांगे ना हमसे, क्यों, क्योंकि 100 तो इसको करना ही था काम और 20 का इसे वर्क डन भी करना था, राइट। तो इसका अमाउंट ऑफ हीट इसके अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड से तो ज्यादा ही बनेगा, और कितना ज्यादा बनेगा, वर्क डन जितना ज्यादा बनेगा, यानी कि कहने का मतलब 120 इसके अंदर लगा रहा हूं मैं, यहां रख लेता हूं, इसका मतलब 120 में से 100 तो वही काम करेगी जो गैस करती थी और 20 का वर्क डन करेगी, इसका मतलब 120 की जगह क्या पुट करेंगे, म्यू CPDT, 100 में क्या पुट करेंगे, म्यू CVDT, म्यू CVDT, और ये चीज क्या बन जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पॉइंट समझ में आया, ठीक, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहां पर ये सीपी वाली टर्म यहां कभी नहीं आएगी, सीपी वाली टर्म यहां आएगी, यहां आएगी, और यहां पर हमेशा क्या आएगा, सीवी आएगा, और कितना अमाउंट ऑफ हीट यहां ज्यादा मिलेगी, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्या मैं ऐसा करूं, इसकी जगह एक काम करते हैं DQ लिख दूं, यानी कि म्यू CPDT की जगह DQ लिख दूं, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, DU चलेगा, ये तो DU कर दो, क्योंकि जो भी आपने हीट दी उसका तो उसने अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर ली, और इसको DU नहीं बोल सकते, इसको DQ बोलना पड़ेगा, क्योंकि DQ में DU भी आता है ऐसे, प्लस DW, तो ये क्वेश्चन भी सेट बैठ गई एकदम। इसका मतलब DQ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DQ DU भी होगा और DW भी होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था कि आपको पकड़ना है और कभी नहीं भूलना, जब फर्स्ट लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ में DW लगेगा, DU लगेगा, DQ लगेगा, जो DQ है उसमें कभी भी CV यूज नहीं होगा, इसमें हमेशा CP यूज होगा, ठीक। और जब भी DU की बात आएगी उसमें कभी भी CP यूज नहीं करना, इंटरनल एनर्जी में हमेशा CV यूज करना, क्यों, क्योंकि यहां से हमने भी प्रूफ किया। क्या ये पॉइंट समझ में आया, बस ये कभी नहीं भूलना। और आज मैंने बोल दिया, बहुत लोग देख लेना 15 दिन के अंदर के रूल, मेजर रूल भूल जाएंगे और वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि CP कहां लगेगा, CV कहां लगेगा। बस ये याद रखना, अगर मैंने इंटरनल एनर्जी वर्ड बोल दिया तो आप ये लगा के चलो CP की बात ही नहीं करनी, बात किसकी करनी है, CV की। और जब फर्स्ट लॉ में यहां हीट की बात होगी तो वहां CV से कैलकुलेशन नहीं होगी, वहां CP से कैलकुलेशन होगी। बस अगर ये बात समझ में आती है तो मैंने बता ही दिया आपको, बाकी कोई टेंशन नहीं, बस बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं अपना कर दूंगा, ठीक। मैं यही नहीं बात समझा सकता ना बार बार, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये तो बस सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ठीक है। थर्मो आसान मुझे अच्छा लगता है, आसान लगता है मुझे, थोड़ा नॉर्मल लगता है कुछ ना, ये भी फायदा है आपको, केमिस्ट्री का एडवांटेज होता है इसमें, इसमें इसलिए स्मूथ फ्लो चलता है क्योंकि केमिस्ट्री आपको आप यूज टू हो। तो पहले 4 चैप्टर बहुत आसान लगेंगे 5 में से, क्योंकि केमिस्ट्री के साथ ही चलना है ये सारा।
और आखिरी चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट, इसलिए थोड़ा सा लगेगा वो अच्छा क्योंकि टोटल नया है, मैंने सुना भी नहीं होगा ऐसा क्या होता है। सिलेबस हमारा काफ़ी अभी पेंडिंग है, मतलब मेरे को टेंशन है, बहुत टेंशन है सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। मतलब आप, मैं आगे चल रहा हूँ मुझे मालूम है, बट मेरे को टेंशन ही, मेरे को बहुत टेंशन है क्योंकि कोर्स ख़त्म करने का तो बहुत आसान तरीका है, शीट कट, कोर्स ख़त्म हो गया। ऐसे तो फिर वो तो फिर चाहे वो तो जनवरी में कर लो यार ख़त्म, ऐसे ख़त्म करना है तो हो जाएगा। बट अगर तीन में से तीन क्वेश्चन ठीक करने हैं, SHM में से एक क्वेश्चन आएगा पक्का ठीक होगा, SHM भी बहुत आसान आता है एक वो, और वेव में तो गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता वेव का आपका, मैं बता रहा हूँ। नंबर बटोरने का टाइम आ गया है, ये पांच क्वेश्चन तो मेंस के गारंटी ठीक बनेंगे ही बनेंगे, देख लेना आप। पेपर जब करूँगा ना वो मज़ा ही आ जाएगा देख के, हालांकि मुश्किल चैप्टर माने जाते हैं पर इसमें निकलेंगे क्वेश्चन, देखना बहुत आसानी से निकलेंगे। तो अगर उस लेवल का करना है तो थोड़ा सा आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। इस टाइम क्या प्रॉब्लम चल रही है, स्कूल के पेपरों ने बुरी तरीके से स्पीड ख़राब कर दी है। अब तीनों सब्जेक्ट प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे होंगे आप लोग, प्रेशर इन द सेंस कि होमवर्क की रेगुलरिटी नहीं बनती, टेस्ट की रेगुलरिटी नहीं बनती, ये एक प्रॉब्लम है। अब आप इस स्टेज पे खड़े हो कि प्रॉपर्टीज़ करूँ पुराना, स्कूल करूँ या थर्मो, स्कूल ही करूँ, आंसर तो मुझे पता है ठीक, उसके बाद देखेंगे यार क्या होगा, देखी जाएगी, आज का तो ठीक करो पहले। तो आपको क्या करना है इसके बाद, मैं टेस्ट भी रखूंगा, आप टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके, प्रॉपर्टीज़ का टेस्ट होगा, एक फुल सिलेबस टेस्ट मैंने बताया था ग्रेविटेशन तक वो होगा, और फिर धीरे धीरे थर्मो तक भी आएंगे। कोई तरीका नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, और इस बार तो इतना गलत हुआ कि ऑप्टिक्स भी ऐड हो गया है। ऑप्टिक्स जितना बोलने में कम टाइम लेता है ना ऑप्टिक्स, वो उतना ही ठीक ठाक है वो देखने में, तो उसके अंदर भी कम से कम 7-8 लेक्चर लगेंगे, आधे 15 दिन लगने चाहिए तो ऑप्टिक्स में कम से कम। तो मुझे दिसंबर 15 के बाद आपके कुछ शायद एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लास, 4 तक भी चलेंगी, कम से कम 2 चैप्टर निकल जाएंगे हमारे, ये 4 लेक्चर या 5, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना बढ़िया मेरे लिए, मेरी तरफ से रोज लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दिसंबर में। जितना आप यहां सपोर्ट करोगे 15 से 30 दिसंबर तक, मेरी बात याद रखना, उतना ही बढ़िया फील करोगे जनवरी और फरवरी में, मतलब आपको मज़ा आएगा, आपको प्रेशर नहीं फील होगा। और अगर आपने यहाँ नहीं किया तो फिर फरवरी के अंदर आप भी भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा हूँ, और फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, क्या जरूरत पड़ेगी, आराम से करेंगे ठीक, और कॉम्पिटिशन के साथ ही करेंगे, ऑब्जेक्टिव रिव्यू सारे साथ ही करेंगे। तो देखो CPCB की कहानी तो आ गई समझ में, अच्छा फिर ये बता दो बड़ा सी और छोटे सी में क्या लेना देना है। हाँ वो मोल के लिए है, वो ग्राम के लिए है। तो मैंने गैस से पूछा एक बात बता कि 1 ग्राम अगर गैस है तो कितना हीट लेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसने कहा छोटा सी भी। मैंने कहा यार पर गैस तो ज्यादा है मेरे पास, उसने बोला कितनी गैस है, मैंने कहा कैपिटल एम गैस है, कैपिटल एम का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास जो भी है। तो कहता कोई टेंशन नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दो तो मैं इतनी हीट ले लूंगी। तो मैंने कहा कैपिटल एम का मतलब है मॉलिक्यूलर मास का मतलब तो 1 मोल होता है। तो कहते क्या टेंशन है, इसको कैपिटल सीवी के साथ इक्वेट कर दो। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, स्मॉल सीवी का मतलब 1 ग्राम, कैपिटल एम ग्राम का मतलब कैपिटल एम इंटू सीवी, लेकिन कैपिटल एम का मतलब 1 मोल। तो या तो 1 मोल को ऐसे लिखो इतनी हीट रिक्वायर्ड है छोटे सी की फॉर्म में, बड़े सी की फॉर्म में ऐसे लिख दो, बात एक ही है। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे लिखना है इसे, और उसी तरीके से छोटे और बड़े के बीच में रिलेशन समझ में आ गया, कैपिटल एम का फॉर्मूले का फर्क है। इन केस अगर जरूरत पड़ जाए कि कैपिटल एम को या बड़े सी को सी में बड़े सी में कन्वर्ट करना हो तो आप इससे कर सकते हो, कोई डाउट ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट, स्कूल में आएगा प्रूव दैट CP - CV = R, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आ जाता है, फिर कर अपना फिजिक्स में तो याद ही नहीं करना, अब क्लियर ही हो गया। देखो देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चेक करो इक्वेशन कहां से लगेगी, dQ = dU + dW, क्लियर है, ओके सही है।
मैंने अभी अभी आपको बता दिया डी क्यू में अगर वन मोल ऑफ गैस लेते हैं हम, वन मोल ऑफ मोल बोल रहा हूं, तो छोटा सी की बड़ा सी, बड़ा सी मोलर स्पेसिफिक हीट जिसको नाम दिया जाता है, ठीक। तो देखो बड़ा सी छोटा सी यूज कर रहा हूँ, वैसे मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट होती है, बट ये ज्यादा आसान लगता है मुझे क्योंकि बुक्स के अंदर ना दूर से चमकते हैं छोटा सी और बड़ा सी, तो पता लग जाता है ये मोल की बात कर रहा है और ये ग्राम्स की बात करेगा। और अगर कुछ ना पता लगे तो एक ही तरीका जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, यूनिट्स देख लो, सी के यूनिट पर ग्राम है या पर मोल है, अगर तो पर मोल है बड़ा सी है, पर ग्राम है छोटा सी है, ठीक। तो ये स्टेप क्लियर है, वन सी वी डी टी, अब पी डी टी सॉरी, क्योंकि डी क्यू के अंदर सी पी आएगा और डी यू के अंदर सी वी आएगा और बाकी अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हीट है, ये भी हीट है, लेकिन ये तो वर्क डन है, वर्क डन किसमें कैलकुलेट करते हैं, जूल में, और ये किसमें चल रहे हैं, कैलरी में। तो एक काम करो, पहले यूनिट सही करो, ये कैलरी ये भी कैलरी, तो पी डी वी जो वर्क डन है इसको अगर कैलरी में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना है, जे से, जूल इक्वलेंट 4.2 जूल। स्टेप समझ में आया, और ये समझ में आता है वर्क डन पी डी वी होता है, नहीं केमिस्ट्री में पी डेल्टा भी होता है, पी डेल्टा भी होता है कि डी वी होता है, डेल्टा भी होता है। देखो ये ना, देखो सपोज करो ये एक गैस है, ओह मैं पूछना भूल गया, पी डेल्टा भी कैसे होता है, वर्क डन पी डेल्टा भी कैसे, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ वर्क डन का, मैंने तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की थी, प्रेशर इनटू एरिया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, देखो सही बोला, वो कह रही है कि देखो ये मान लो पिस्टन ऊपर उठ गया, कितना ऊपर उठा dx, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हुआ f इनटू dx, और फोर्स प्रेशर की फॉर्म में, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, और एरिया इनटू dx ये रहा कितना आ गया, वॉल्यूम dv आ गया, dw इज इक्वल टू pdv। केमिस्ट्री वाले d के चक्कर में पढ़ते नहीं है, डेल्टा में अगर टोटली मारेंगे चेंज, चलो जी शुरू और एंड का, बीच में कुछ नहीं करना उन्होंने, V2 टोटल चेंज डन, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, क्योंकि धीरे धीरे वर्क डन हो रहा है, तो dw p dv लिमिट लगाएंगे v1 से v2 आंसर आएगा, अपने मेथड बहुत सही है, ठीक। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है, और मजे की बात है हमें आनी इंटीग्रेशन ही है वर्क डन में, अभी हम लेक्चर में करेंगे या उससे लेक्चर में वर्क डन आएगा, लिमिट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा v1 से v2, मुश्किल नहीं है बहुत आसान है, और एक क्वेश्चन मेंस का पक्का आएगा इसके ऊपर, वर्क डन के ऊपर दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या ये बात समझ में आई पहले, ओके तो मेरे ख्याल से आज के बाद हम फिजिक्स वाले लोग तो डी डब्ल्यू को पी डी वी पुट करेंगे, डी डब्ल्यू को पी डी वी, डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा, डेल्टा चल रहा है तो पूरा डेल्टा। तो वन मोल ऑफ गैस के लिए इक्वेशन क्या लगती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, राइट। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना टेम्परेचर के साथ दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी बाय टेम्परेचर, डी बाय टेम्परेचर, ये टर्म आ गई। प्रेशर कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, क्या बचा डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू आर इज अ कांस्टेंट, डीटी बाय डीटी, डीटी बाय डीटी क्या होता है वन, तो क्या बना पी डीवी इज इक्वल टू आर डीटी। आप सीधा लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू आर टी, पी कांस्टेंट है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी, आर कॉन्स्टेंट है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डीटी, पर एक्चुअल रूल वही है, टेम्परेचर के साथ अगर चेंज करेंगे तो ऐसा आएगा, बस जरूरत नहीं है अपने को अपना सीधा याद करेंगे पी डी वी आर डी टी अलाउड है, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे आर डी टी, डी टी डी टी डी टी कैंसिल, कैंसिल कर लो इसे, डी टी डी टी डी टी कैंसिल, मैंने भी प्रूव कर दिया फिजिक्स में सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर बाय जे, यूनिट्स की वजह से जे, सही चल रहा है, कोई डाउट इसमें, याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वैसे आपको पहले ही याद था, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में कैसे करते हो, ऐसे ही कुछ करते होंगे, कुछ याद था कुछ अभी हो गया, तो ये तो बढ़िया हो गया। और अब मजे की बात देखो, मेंस के अंदर दो बार सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर के ऊपर क्वेश्चन आया है, और उसने फंसा लिया उस दिन, दो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा यहां देखना, छोटे सी और बड़े सी के ऊपर, छोटे सी और बड़े सी के ऊपर,
वो फंसाएगा आपको कहीं ना कहीं, देखना। तो फिर हम भी किसी से कम नहीं, तो हमने भी एक शीट इंसर्ट कर दी उस दिन के बाद, दिखाता हूँ। पेज नंबर 64 पे, पेज नंबर 64 पे हमने पूरी रिसर्च कर दी कि CPCV ये क्या चक्कर है, छोटे सी का बड़े सी का। तो उसके बाद ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम ही बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ये मैंने उस दिन के बाद ऐड ही कर दिया, मैं कह लो बात ही खत्म हो गई, अब जो मर्जी आ जाए, छोटा सी बड़ा सी सब पॉइंट आया। अच्छा, अब एक चीज और देखो इसमें, और देखो ध्यान से देखना, कभी कभी बुक्स में आप केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, आप केमिस्ट्री में जे यूज नहीं करते, राइट, यहां किया, वो कह रहे हैं CP-CV R भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन है कि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ना, ड्राइव कर रहे थे इसे, तो हम ये मान रहे थे कि ये कैलोरी है, ये कैलोरी है, ये जूल है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट किया था। आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये ऑलरेडी जूल है, ये भी जूल है, ये तो पहली जूल है, फिर आपको जे से डिवाइड नहीं करना। तो अगर आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट जूल में चल रही है, ये भी जूल में चल रही है और ये भी जूल में चल रही है, फिर आपको कन्वर्ट नहीं करना, फिर जे नहीं लगेगा, और अगर जे नहीं लगेगा तो CP-CV क्या जाएगा, आर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है, जब ये जूल में, ये जूल में, ये भी जूल में, या फिर ये कैलरी में, ये कैलरीज में, ये भी कैलरीज में, तीनों के अगर यूनिट सेम चल रहे हैं, फिर जे फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम इसे याद क्यों करेंगे, ये न्यूमेरिकल आएगा, आपको करके दिखाऊंगा कि इसको करना कैसे है। जब तक न्यूमेरिकल में अप्लाई करके नहीं आएगा ना, वो चीज समझ में नहीं आएगी कभी भी। हाँ, एक आइडिया पता लग गया कि जे कब लगाना है, जब यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ती है, और जे तब अगर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब तीनों क्वांटिटी के यूनिट एग्जैक्टली सेम है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 1 ग्राम के लिए, क्योंकि ये मोलर है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, ये छोटा पी और छोटा वी है प्लीज, तो आप एक स्टेप नोट कर लेना यहां पर, इसके बाद कैपिटल एम छोटा सीपी आप ऐसे कर सकते हो। इसमें आपके पास रिजल्ट आया, कैपिटल सीपी कैपिटल सीवी इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला आया मोलर की फॉर्म में, या फिर कैपिटल एम सीपी कैपिटल एम सीवी आर बाय जे, या छोटा सीपी सीवी इज इक्वल टू आर बाय कैपिटल एम इंटू जे, या कैपिटल आर बाय मोलर जो जो इसका मास होता है, ये दोनों छोटे चल रहे हैं, स्मॉल आर बाय जे, राइट। अब ये क्या किया मैं आपको बताता हूं। वो ये कहता है कि मेरे को मेरा रिजल्ट छोटे सी में चाहिए, बड़े सी में नहीं चाहिए। तो नॉर्मली ये यूज नहीं करते, यूज तो मोलर ही करते हैं, तो मोलर के अंदर तो पता लग रहा है आर बाय जे है, राइट। तो कैपिटल एम की फॉर्म में किया। अब देखो प्रॉब्लम क्यों नहीं यूज करते, डिफरेंट डिफरेंट गैस का कैपिटल एम डिफरेंट है, राइट। अब किसी का 16 है, किसी का 32 है, किसी का कुछ है, क्या कर सकते हैं। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, स्मॉल आर हर गैस के लिए डिफर करेगी, स्मॉल आर हर गैस के लिए डिफर करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये डिफर करेगी। अब किस गैस के लिए क्या होगी मुझे क्या पता, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करता, मैं कैपिटल में यूज करता हूं। फिर क्यों लिखा, आपकी फिजिक्स में ना कुछ ऑथर्स को प्रॉब्लम है कैपिटल आर से, वो छोटे आर में पता नहीं क्यों बातें करते हैं, मेरे को नहीं पसंद आता, मैं कैपिटल आर में ही करूंगा और मैं मोलर स्पेसिफिक हीट में ही बात करूंगा। समझ में आ रहा है यहां तक? जस्ट बताया है कि अगर कैपिटल एम यहां पर आ जाएगा तो कैपिटल आर बाई कैपिटल एम को क्या लिखते हैं, स्मॉल आर, राइट। पर मेरे हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल नहीं किया हुआ ना, मैं इसको यूज करूंगा आज के बाद, मैं इसी से काम चलाऊंगा, सफिशिएंट है। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? इन्फॉर्म एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये बताता है कि एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड एन एनर्जी ऑफ
हाफ के टी। उसने कहा एक लॉ है, देखो हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, प्रूफ नहीं करना है। लॉ ये कहता है कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ और एनर्जी जो है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी एसोसिएटेड कितनी होती है? हाफ के टी। तो अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो 2 × 1/2 kT। किसी गैस की अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो 3 × 1/2 kT। तो वो उस गैस की टोटल एनर्जी आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। आप कहोगे केमिस्ट्री के अंदर तो कुछ और सिखाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऐसे करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी करके एनर्जी निकलती है। वो भी सही तरीका है, लेकिन ये छोटा तरीका है। वो तो एक तरीका है ही, 3/2 RT, तो नहीं KT आप क्या करते हो, ऐसी होती है ना मोनोटॉमिक गैस की। तो मैं आपको सेम चीज करके दिखाऊंगा इस लॉ से। लॉ समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्कूल के अंदर आएगा ये, कॉम्पिटिशन तो है ही है, स्कूल में भी आता है कि डिस्कस लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, राइट। जैसे जैसे अगर मान लो मैंने बताया मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है, तो एनर्जी उसके पास कितनी होगी? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी 1/2 kT और 3 की कितनी? 3/2 kT। सुना हुआ है? आ गई एनर्जी एक मिनट में। डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ी काम की चीज है, आपको हाफ एम वी स्क्वायर डिस्कस करने की जरूरत क्या है? सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम लो, 1/2 kT से मल्टीप्लाई करो, सीधी एनर्जी एक मिनट में। अच्छा बताओ डायटोमिक गैस की एक मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, बोलो कितनी एनर्जी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5 × 1/2 kT, 5/2 kT। केमिस्ट्री में नहीं करते आप लोग ये, आप मोनोटॉमिक तक रखते हो, ऐसे होता है ना, क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, उनका एरिया खत्म हो जाता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब सारी एनर्जी कैलकुलेशन फिर इसके खाते में चलेंगी, हमने अब करना है बाकी का। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर जैसे सपोज करो 1 मोल ऑफ गैस है, राइट, 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस में एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन मीन्स यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस ही होंगे क्योंकि इसमें 1 मोल की बात हो रही है। टोटल एनर्जी निकालने जा रहा हूं गैस की, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी एनर्जी होती है? 1/2 kT। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ध्यान आगे, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। तो 3/f × 1/2 kT, कितने मॉलिक्यूल लिए अभी? एक नहीं, ये एनर्जी एक मॉलिक्यूल की है, 1/2 kT तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है? f × 1/2 kT। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n, तो टोटल n मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसके इक्वल है, n से n में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 3/2 kT बोलते हो ना, पूरी गैस की एनर्जी थोड़ी ना है वो तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, लेकिन आपको अगर पूरी गैस की निकालनी है तो n से मल्टीप्लाई भी करना है। कोई डाउट इसमें? तो ये स्टेप समझ में आया। फिर आपने ये सुना होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, R/Avogadro's number। तो R/N करोगे, n से n क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? FRT/2। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, n मॉलिक्यूल्स के लिए या तो ये फॉर्मूला चलेगा या ये चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी पूरी गैस के सभी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बताएगा। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी समझ में आ रहा है कि क्या बताता है। तो आज के बाद काइनेटिक एनर्जी नहीं लेंगे, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करेंगे, पूरी गैस की एनर्जी एक मिनट में आ जाएगी। ठीक हो गया? अब मुझे ये बताओ कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डीयू में क्या लिखते हैं? 1 मोल के लिए 1 CV, बड़ा सी है प्लीज, 1 CV dT, राइट। सीवी क्या होगा? DU/dt। देखो एक नई डेफिनेशन आ गई सीवी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आ गया ना कैलकुलस बीच में। वो क्या करेगा पता है फिजिक्स में? वो ना आपको फंक्शन दे देगा यू का, वो कहेगा मान लो यू इज इक्वल टू T² + T + 1, टेम्परेचर के साथ यू ऐसे चेंज हो रहा है, फाइंड सीवी, सीवी इक्वल टू DU/, राइट, कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये तो गलत बना क्योंकि कॉन्स्टेंट होती है सीवी, तो T + 1 ही करना चाहिए बस। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ यार, मतलब मुझे टी की फॉर्म में आंसर नहीं लेके आना, सीवी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है, बता रहा हूं मैं।
क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो du इज इक्वल टू 1 cv dt, cv आ गया। किसी भी गैस के लिए इन जनरल फॉर्मूला क्या बनाया u का, frt by 2, पूरी गैस की एनर्जी frt by 2, fr कांस्टेंट है, dt by dt 1 है, cv का फॉर्मूला आ गया। अच्छा बताओ मोनोटॉमिक गैस का f क्या होता है, 3, cv क्या होगा 3 by 2 r, केमिस्ट्री में करते हो 3 by 2 r मोनोटॉमिक गैस का, प्रूफ आ गया, याद किया हुआ है ना, अब याद नहीं करना पड़ेगा, क्लियर याद है। और cp माइनस cv क्या होता है r, तो cp इज इक्वल टू cv प्लस r, cv पता है r ऐड करें cv, cp आ गया cv आ गया, तो कुछ नहीं करना, मोनोटॉमिक गैस का f 3 है, ऊपर नीचे पुट करो cp cv आ गया, डायटॉमिक गैस का f 5 है, ऊपर नीचे पुट करो cp cv आ गया। क्या सही तरीके से cv निकालने का, राइट ठीक है ना? और गामा सुना होगा, पॉइसन रेशियो क्या होता है cp by, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या बढ़िया फॉर्मूला आया गामा का, 1 plus 2 by f, आज के बाद अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन और फिजिक्स का आपको गामा देगा ही नहीं, कहेगा मोनोटॉमिक गैस है डायटॉमिक गैस है, खुद ही निकालते रहो गामा बैठ के, f की वैल्यू 3 पुट करोगे तो मोनोटॉमिक का गामा, 5 पुट करोगे, पूछने की जरूरत ही नहीं कि सर क्वेश्चन वो वैल्यू नहीं गिवन, पूछते होते हैं बच्चे गामा नहीं दिया देना भूल गया, ना दे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग गई आंसर, एग्जांपल के साथ किया हुआ है, जैसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ 3 है मोनोटॉमिक गैस के लिए एग्जांपल करके दिखाया है कि सीवी क्या होगा सीपी क्या होगा गामा क्या होगा ऐसी डायटॉमिक गैस का, तो मतलब तो एग्जांपल है जो भी मैंने बताया ये हो जाएगा ठीक। मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन के अंदर cp माइनस cv क्या होता है r, अगर इनकी यूनिट्स एकदम सही है राइट, और cp बाय cv क्या होता है गामा, अगर मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है cp cv का r बाय गामा माइनस 1, और cp के लिए क्या करेंगे गामा इंटू cv यानी कि गामा इंटू r बाय गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार ऑब्जेक्टिव के अंदर ना, ज्यादातर ऑप्शन आपको r बाय गामा माइनस 1 में मिलेगी, वो क्वेश्चन तो cv में करवाएगा पर एंड में cv की वैल्यू पुट करवाएगा r बाय गामा माइनस 1, इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज, और गामा का फॉर्मूला तो आपको पता है, तो cv cp निकालने का ये भी अच्छा तरीका है, गामा यहां से निकाल लो मोनोटॉमिक डायटॉमिक का, गामा को यहां पुट करोगे तो cp एंड cv कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, करके दिखाया मैंने मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला गामा, फिर मैंने cv में r बाय गामा माइनस 1 cv, फिर मैंने गामा आर बाय गामा माइनस 1 से सीपी, तो सीपी सीवी गामा इस तरीके से कैन बी कैलकुलेटेड इजी ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में याद रखना, अगर दो गैसेस को मिक्स करते हो और एक के नंबर ऑफ मोल्स एन वन है दूसरे के एन टू है, और जो मॉलिक्यूलर मास है गैस का पहली का एम वन है दूसरी का एम टू है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं, कहेगा मिक्सचर का m निकाल लो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो या मोलर मास निकाल लो, तो n1 m1 plus n2 m2 by n1 plus n2, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरीके से जब भी दो गैसेस को मिक्स करेगा एक चीज हमेशा फॉलो होगी, पहली गैस की जो भी इंटरनल एनर्जी है दूसरी गैस की जो भी इंटरनल एनर्जी है उनको ऐड करके नई गैस की इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, याद रखना इसे। और इसकी एप्लीकेशन ऐसे आती है, अगर दो गैसेस हैं दोनों गैसेस में पहली गैस का cv1 गिवन है नंबर ऑफ मोल्स n1 है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट पता है, दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता है और cv2 पता है, मिक्सचर का cv बताओ क्या होगा, तो ये नहीं भूलना जब गैस को मिक्स करते हैं तो u इज इक्वल टू u1 प्लस u2, इन्हें अगर डिफरेंशिएट करें स्मॉल वैल्यू के साथ तो स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज, तो दोनों गैस का स्मॉल चेंज टोटल दो मिक्सचर का चेंज के इक्वल आ जाएगा, मैंने बताया था यू यूज हो रहा है तो क्या यूज करेंगे सी वी, तो मिक्सचर के लिए एन की जगह एन वन प्लस एन टू इंटू सी वी डी टी, पहली गैस के लिए एन वन सी वी वन डी टी, सेकेंड के लिए एन टू सी वी टू डी टी, समझ में आ रहा है यहां तक, डी यू की बात हो रही है तो सी वी की बात हो रही है, तो यहां से डी टी डी टी डी टी कैंसल, सी वी का क्या बढ़िया फॉर्मूला आ गया, आज के बाद क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, मिक्स किया दो गैसेज को मिक्सचर का सी वी निकालो, फॉर्मूला याद रखना है क्या, एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू बाय एन वन प्लस एन टू, मैंने पूछा किसी से वो कहता सर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लग गया, नहीं देखने में ऐसा है
लेकिन सेंट्रोमास का कोई लेना देना नहीं है इससे, अच्छा है उल्टा फॉर्मूला कम याद करना पड़ेगा। मिक्सचर का सीपी निकालो, सीपी माइनस सीवी आर, सीपी सीवी प्लस आर, सीवी की वैल्यू पुट करें मिक्सचर की, पुट किया एलसीएम लिया, सीवी प्लस आर सीपी, सीवी प्लस आर सीपी, बढ़िया फॉर्मूला बन गया, एन वन सी पी वन एन टू सी पी टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो मिक्सचर का समझ में आ रहा है यहां तक, सीवी और सीपी। गामा निकालो मिक्सचर का, ये क्वेश्चन आता है गामा, गामा मिक्सचर का। या तो एक काम करो, अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था पिछली स्लाइड पे सीपी मिक्सचर का आ गया, सीपी सीवी आ गया मिक्सचर का, दोनों को डिवाइड कर दो गामा आ जाएगा, सही है ठीक है, ये भी तरीका सही है। गैसेस को मिक्स करेंगे तो डी यू सेम रहेगा, मतलब डी यू वन प्लस डी यू टू इज इक्वल टू डी यू, डी यू में क्या पुट करेंगे एन वन सी वी वन डी टी, डी टी लगा देना, एन टू सी वी टू डी टी, मिक्सचर के लिए एन वन प्लस एन टू सी वी डी टी, डी टी डी टी डी टी कैंसल, क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला, सी वी मिक्सचर का क्या होगा आर बाय गामा माइनस वन, अभी किया फॉर्मूला, तो इसकी जगह आर बाय गामा माइनस वन वेयर गामा इज मिक्सचर का गामा, इसकी जगह आर बाय गामा वन माइनस वन मिक्सचर का गामा, मिक्सचर का गामा, ये प्लीज फॉर्मूला बॉक्स में डालो, ये कई बार यूज हो जाता है गामा मिक्सचर निकालने के लिए। तो गामा फॉर मिक्सचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें? लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि बेसिक रूल इनका सेम है, डी यू को एड करने का रूल है राइट। और उसी तरीके से ये बहुत सिंपल है, लास्ट स्लाइड है, कि अगर स्पेसिफिक हीट किसी न्यूमेरिकल में, देख लो इंपॉर्टेंट है ये, उलझा देगा आपको, और यूनिट्स में तो उसने चक्कर डालना ही डालना है थर्मो वाले ने, उसने सीधे यूनिट्स कभी नहीं देने, सारे घुमा घुमा के डालने हैं। कैसे? अगर स्पेसिफिक हीट गिवन है 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और मुझे चाहिए जूल में, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4.2। अगर मुझे चाहिए पर केजी में, तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करूंगा? पर केजी में, राइट? क्या यहां तक क्लियर है? अगर मुझे क्वेश्चन गिवन है जूल पर केजी में मुझे चाहिए कैलोरी, तो प्लीज डिवाइड करो, करेक्शन है, डिवाइड करो बाय 4.2, शायद करेक्शन हुई हुई आपके बुकलेट में, 4.2 से डिवाइड करो राइट। और अगर मुझे केजी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में, तो हो जाएगा कन्वर्ट। कन्वर्जन बहुत जरूरी है और ये बहुत आती है यार, मैं कहता हूं।